नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी प्रिंसिपल एंड लॉ। हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मेथड, तो उसके स्टेप्स को हमने कंप्लीट किया था। तो उन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद जो हाइपोथेसिस हम देने के बाद, उस हाइपोथेसिस को हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अगर कोई हाइपोथेसिस क्या हो, करेक्ट हो, हाइपोथेसिस क्या हो, करेक्ट हो, तो उसको क्या नाम देते हैं, थ्योरी। तो अगर हाइपोथेसिस करेक्ट हो, सही साबित हो एक्सपेरिमेंट के बाद, तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। क्या बन जाएगी, थ्योरी। और थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या मौजूद होते हैं, एविडेंसेस मौजूद होते हैं। यानी एविडेंस उस वक्त उस थ्योरी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उस को क्या नाम देंगे, थ्योरी कहेंगे। थ्योरी सेकंड लास्ट स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का। जिस अगर थ्योरी हो उस जमाने में अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसके मुताबिक उसके के लिए एविडेंस मौजूद होते हैं और वो क्या होती है, एक्सप्लेन करती है उस फेनोमेना को, तो वो थ्योरी कहलाती है। लेकिन अगर उससे कोई बेटर एविडेंसेस आ जाए, तो उसकी वजह से वो जो थ्योरी होती है वो हो सकती, चेंज भी हो सकती है, वो टोटली ख़त्म भी हो सकती है, उसकी जगह कोई नई थ्योरी ले सकती है। तो उस स्टेज ऑफ नॉलेज को क्या नाम देंगे, थ्योरी कहेंगे। मसलन हमारी जो हाइपोथेसिस थी कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद वो क्या हुआ, सही साबित हुआ और एविडेंस उसके मौजूद है। हमने एक्सपेरिमेंट में एविडेंस के बेस पर उसको देखा, तो अब वो जो थ्योरी सही होने, हाइपोथेसिस करेक्ट होने के बाद वो क्या कहलाई, थ्योरी कहलाई। दोबारा देखें, जब कई हाइपोथेसिस सही साबित होता है उसके बाद वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। थ्योरी को एविडेंस क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अगर उस थ्योरी अगर एविडेंस चेंज हो, उसके खिलाफ आ जाए, बेटर उससे एविडेंस आ जाए, तो वो थ्योरी चेंज भी हो सकती है, वो थ्योरी टोटली ख़त्म भी हो सकती है। जिस तरह आज हमने केमिस्ट्री में पढ़ा, डाल्टन की एक थ्योरी थी 1803 में, 1887 में आके वो क्या हो गई, चेंज हो गई। उसने कहा था एटम इंड्यूसिबल है, लेकिन 1887 में आके एटम क्या हुआ, डिविजिबल हुआ। एटम क्या हुआ, डिवाइड, उसके अंदर फर्दर पार्टिकल डिस्कवर हो गए। इसी तरह थ्योरी क्या होती है, वो चेंज होती है। जो थ्योरी इस बायोलॉजी में गिवन है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कौन सी है, मिसाल इसकी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने थ्योरी दी है इवोल्यूशन के बारे में, वो कहते हैं कि कैसे चेंजेस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं ऑर्गेनिजम्स में, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो उसको एक उसने सफ़र किया, मुख्तलिफ डेटा इकट्ठा करके उसने एक थ्योरी दी। ये वजह है, वो हम एक चैप्टर में तफसील से पढ़ेंगे 10th क्लास में जाके। तो वो जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अब उसके बारे में एविडेंस मौजूद उसने इकट्ठे किए हैं, अब हो सकता है उससे कोई बेटर एविडेंस हो, तो वो चेंज भी हो सकती है, उसमें तब्दीली भी आ सकती है। तो जो एविडेंसेस को उसको एक्सप्लेन करती है, हाइपोथेसिस सच साबित होती है, तो उसको क्या नाम देते हैं, थ्योरी कहलाते हैं। उसके बाद थ्योरी अगर क्या हो, वेरीफाई हो, एक तरह से सही साबित हो, काफ़ी अरसा गुजर जाए और वो एक नेचर बन जाए, यानी एक लॉ बन जाए, जो नेचर है उसकी एक लॉ बन जाए, एक रियलिटी बन जाए, तो उसको फिर क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं या लॉ कहते हैं। उसको या आप क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे या ला। ये आखिरी स्टेज है साइंस में, जिसमें कोई थ्योरी काफ़ी अरसे तक क्या होती है, सस्टेन रहती है, कोई एविडेंस उसके खिलाफ नहीं आते, सारे एविडेंस मुसलसल मुतवातिर के साथ उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते जाते हैं, और वो क्या बन जाती है, अल्टीमेटली जाके ला बन जाता है, कानून बन जाता है। तो वो एक रियलिटी होती है, एक क्या होती है, एक रियलिटी होती है आप नेचर, उसको क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं या ला कहते हैं। तो प्रिंसिपल कहेंगे या ला कहेंगे। मसलन बायोलॉजी में जो लॉस हैं वो है मेंडल्स लॉ, थोड़े से हैं लेकिन लॉस मौजूद है, मेंडल्स लॉ जो है जेनेटिक्स में। मेंडल्स के दो लॉस बहुत ही अहम है, एक है मेंडल्स लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और दूसरी है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दो अहम लॉस मेंडल ने दिए हैं। तो मेंडल के जो लॉस हैं ऑफ इनहेरिटेंस, ये बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी के लॉस हैं। दूसरे फील्ड्स में बहुत सारे लॉस हैं, लेकिन बायोलॉजी में मेंडल्स लॉस हैं जो एक एविडेंस की बेस पर प्रूफ होते हैं, और वो एविडेंस उसको मुसलसल सपोर्ट करती जाती है और बहुत सारे फिनोमेना को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो उस नॉलेज को क्या नाम देते हैं, लॉ कहते हैं। यहाँ आके एक यानी एक नॉलेज की एक्सपीरियंस होती है, वो यहाँ क्या आती है, कंप्लीट होती है। तो दोबारा देखिए, हाइपोथेसिस अगर सच साबित हो तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। उस वक्त एविडेंस उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अगर उससे अच्छे एविडेंसेस आ जाए तो वो थ्योरी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर थ्योरी क्या हो, सस्टेन हो, बहुत क्या हो, टाइम करने के बाद एविडेंसेस मुसलसल उसके हक में आ जाए और वो एक नेचर की एक रियलिटी बन जाए, तो उसको क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल या लॉ कहते हैं। मसलन मेंडल्स लॉ, लॉ की मिसालें हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इस तरफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, एवोल्यूशन की मिसालें हैं। तो जो कुछ फ्लोशीट की फॉर्म में हम उसको देखेंगे, जो कुछ हमने पढ़ा अब तक, जो बायोलॉजिकल मेथड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले आपने देखा रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले आपने सिर्फ देखा वो क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन, हमने ये पहला स्टेप पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड में। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था बताएं, उसके बाद आप क्या लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा स्टेप था, दूसरा। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करते हैं, ठीक है। तीसरे स्टेप में ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप क्या करते हैं, डेवलप या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ये कौन सा स्टेप होता है, तीसरा। हाइपोथेसिस के बाद क्या करते हैं, डिडक्शन लेते हैं। तीसरा नेक्स्ट स्टेप आपने पढ़ा, मेक डिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा था, उन डिडक्शन के बेस पर वो हाइपोथेसिस को देखने के लिए कि वो सही आ गए थे, आपने क्या किया था नेक्स्ट स्टेप में, मेक पे या परफॉर्म लिखा है आपने, उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। वह क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि आया आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। ठीक है, इसके दो आपने ग्रुप ये थे, एक था कंट्रोल, कंट्रोल ग्रुप, और दूसरा कौन सा था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डायरेक्टली आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप में इनडायरेक्टली आप उसको देखते हैं। जिस तरह मलेरिया के केस में सब मलेरिया के मरीजों का टेस्ट किया और सब नॉर्मल लोगों का, तो नॉर्मल लोगों का जो टेस्ट था वो क्या था, कंट्रोल ग्रुप था, और मलेरिया के मरीजों का जो टेस्ट था वो क्या था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट आप लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में जो आपका क्या होगा, एक्सपेरिमेंट कंट्रोल ग्रुप के बाद आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, इनफर रिजल्ट। आपने क्या करना है, इनफर रिजल्ट करना है। किस ग्रुप के बाद होगा, इन दोनों के बाद, इनके बाद आपने क्या किया, इनफर किया किसको, रिजल्ट को। तो यहाँ तक इन पर आपने क्या किया, रिजल्ट किया। आप इस रिजल्ट में दो ऑप्शन से, दो चांसेस है, एक क्या होगा, आपका जो हाइपोथेसिस आपने दिया था वो क्या होगा, सपोर्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, सपोर्ट एविडेंस उसको कहेंगे, एक्सपेरिमेंट उसको क्या करेगा, प्रूव करेगा, सपोर्ट होगा तो फिर वो आगे चलेगा, अगर सपोर्ट नहीं होगा तो फिर वो दोबारा किसकी तरफ जाएगा,
किसी तरह जाएगा दोबारा दोबारा उसको रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम से ऑब्जर्वेशन से दोबारा उसको क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन साथ ही हाइपोथेसिस दोबारा हाइपोथेसिस देंगे क्या देंगे दोबारा हाइपोथेसिस यानी आपके पास रिजल्ट आएगा रिजल्ट में दो चांसेस है एक क्या होगा आपका जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो सपोर्ट करेगा किसको हाइपोथेसिस को या क्या करेगा नॉट सपोर्ट या वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा या वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करेगा अगर हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता तो उसको आप दोबारा कहां लेके जाएंगे कोई दूसरा हाइपोथेसिस देंगे फिर उसको टेस्ट करेंगे पूरा साइंटिफिक मेथड दोबारा क्या होगा स्टार्ट होगा अगर हाइपोथेसिस क्या हो रहा है सपोर्ट हो रहा है हाइपोथेसिस क्या हो रहा है यहां से यहां आप जाएंगे अगर हाइपोथेसिस सपोर्ट तो हाइपोथेसिस के बाद आप क्या करेंगे वो जो हाइपोथेसिस है वो एक दरवाजा खोलता है और रिसर्च के लिए तो उस हाइपोथेसिस को साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि उसने जो बात की है जो हाइपोथेसिस दी है वो सही उसके काम से हो रहा है तो दूसरे का साइंटिस्ट उस काम को एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं कोशिश करते हैं कि उसमें कोई खामियां निकालें उसको डिसप्रूव करने की कोशिश करें ताकि वो उससे कोई बेहतर उससे क्या करें नतीजे निकालें तो ये क्या करता है एक रिसर्च के लिए क्या करेगा आपके पास एक दरवाजा ओपन करेगा तो ये सजेस्ट करेगा फर्दर रिसर्च को यार ये क्या करेगा जो सपोर्ट करेगा फर्दर रिसर्च क्या करेगा सजेस्ट करेगा सजेस्ट फर्दर रिसर्च बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर क्या करेंगे फर्दर तहकीक करेंगे रिसर्च करेंगे रिसर्च करने के बाद अगर वो सही साबित हो रहा है उस जमाने में तो वो क्या बन जाएगी अभी हमने पढ़ा उसके बाद वो बन जाएगी थ्योरी और थ्योरी के बाद भी अगर वो एक रियलिटी बन जाए एक नेचर की एक रियलिटी बन जाए तो उसको वो आखिर में क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बनेगा या लॉ बनेगा तो ये एक सीक्वेंस में स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक या बायोलॉजिकल मेथड में तो द्वारा देखें सबसे पहले आपने क्या किया फ्लो शीट आपसे पूछ सकता है कि फ्लो शीट ड्रा करें किसका साइंटिफिक मेथड का तो इन सब स्टेप्स को आपने लिखना है सबसे पहला स्टेप था रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम उसके बाद आपने क्या लिया उसमें आपने क्या लिया हाइपोथेसिस वहां से आपने क्या लिया डिडक्शन उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक कंट्रोल ग्रुप दिया दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दिया अगर इनके बाद रिजल्ट आया आपने रिजल्ट को इन्फर किया देखा उसके बाद अगर वो रिजल्ट आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे अगर नहीं करेंगे तो दोबारा हाइपोथेसिस देके उसको टेस्ट करेंगे अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो फिर वो और रिसर्च के लिए क्या करेगा सजेस्ट करेगा फर्दर उस पर रिसर्च होगी रिसर्च होके जब तहकीक के बाद वो क्या हो उसको एविडेंस सपोर्ट करे तो वो क्या बन जाएगी थ्योरी बन जाएगी और थ्योरी अगर सस्टेन करता है एक रियलिटी बन जाती है नेचर की तो वो एंड में जाके ला और प्रिंसिपल बनेगा तो इसके साथ ही एक बायोलॉजिकल जो मेथड है ये क्या हुआ कंप्लीट हुआ इसके बाद कुछ एनालिसिस होगा डेटा की वो हम एक उसमें देखेंगे तो यहाँ तक इतना ही दूसरा चैप्टर भी आपका तकरीबन एंडिंग की तरफ जा रहा है